हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों यूरीमीटर कैसे चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं YSM999DX। जी हाँ दोस्तों, ये मीटर बहुत ही खास है दोस्तों। इसमें आपको ये मालूम चल जाता है, कभी भी आप डिश सेट करोगे इस मीटर से तो वहाँ पर ही सिग्नल दिखा देगा कि हाँ इतना परसेंट सिग्नल आ गया है। इस मीटर का खासियत यही है। और यहाँ पे क्वालिटी भी आपको देखने को मिल जाता है, क्वालिटी यहाँ पे क्वालिटी ही आपको देखने को मिल जाता है क्वालिटी। और यहाँ पे यूरी का लोगो दिखाई दे रहा है। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे दो पोर्ट हमको देखने को मिल जाता है और एक यहाँ पे LED बल्ब देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद इस तरफ आपको मिनी USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के लिए दिया हुआ रहता है। और ये DC 12 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, DC इन 12 वोल्ट के लिए ये है। तो दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ कि ये चलाते कैसे। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दो चार छः आपको लाइट देखने को मिल जाता है यहाँ पे पावर का। जब ऑन करेंगे इसको दबाकर तो यहाँ पे पावर बटन जलेगा। 22 के 13 वोल्ट, 18 वोल्ट लॉक चार्जिंग, जब चार्ज लगाओगे ना तो ये वाला बत्ती जलेगा। देखिए ऑन करते हम तो ये जल गया, देख सकते हैं 18 वोल्ट भी जल गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सेट फाइंडर, सेट सेटेलाइट आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सिग्नल स्कैन, जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे करना है, सिग्नल स्कैन पे आ जाना है। और यहाँ पे डीडी फ्री डिश का फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिल रहा है 11470, 29500 भी। तो अब क्या करना है, अब ये वाले बटन को दबाओगे तो यहाँ पे बहुत सारा सेटेलाइट आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं टाटा स्काई, यहाँ पे देख सकते हैं बिग टीवी, वीडियोकॉन, डिश टीवी, एयरटेल, डीडी डायरेक्ट, सन डायरेक्ट, टाटा स्काई, मदनी, लव सेट, AVS, बंगा बंधु, चाइना सेट, MS4, थाईकॉम और जी सेट 55 और 53, 53 डिग्री, 70 डिग्री और ये 93 डिग्री। दोस्तों ये हो गया। अब आपको कोई भी सेटेलाइट जैसे एयरटेल सेट करना है तो एयरटेल पे आएंगे, ओके करेंगे। और एयरटेल का हाई क्वालिटी जो कि फ्रिक्वेंसी है 11480 देख सकते हैं दोस्तों। ये चलाना बहुत ही आसान है। और इसके सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे सेटिंग में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। देखिए लैंग्वेज सेटिंग में ओके करेंगे तो हिंदी, ये कौन कौन से भाषा है देख सकते हो यहाँ पे, तो हम इंग्लिश से ही रहने देंगे। उसके बाद की टोन, जैसे ही ऑन ऑन करेंगे और नीचे करेंगे तो टिक टिक की आवाज़ आपको सुनने को मिल जाता है। तो इस बैटरी बैकअप चाहिए तो इसको ऑफ करके रखें। लॉक टोन, लॉक टोन जब आपका सिग्नल मिल जाएगा तो ये लॉक है ना, यहाँ पे लॉक दिखाई दे रहा है, ये वाला लॉक टोन है। जैसे सिग्नल मिलेगा तो ये बजेगा, टिक 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 टिक, जैसे मीटर बजता है ना कि हाँ सिग्नल मिल गया है तो ये बजेगा। उसके बाद फ्लैश लाइट को हम ऑन करेंगे तो देख सकते हैं फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाता है इससे दोस्तों। अब आपको यहाँ पे TP, आप लोग यहाँ से TP भी ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। उसके बाद सेटेलाइट मैनेजर, सेटेलाइट भी ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो इस मीटर से। जी हाँ दोस्तों, इस मीटर से। तो इस मीटर को चलाना बहुत ही आसान है दोस्तों, सबसे आसान यही UD999DX वाला मीटर ही है दोस्तों। तो इस मीटर को खरीद ले ताकि आपको आसान हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार दोस्तों।